मैंने उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें तो विधानसभा के इलेक्शन जब हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की जनता को बहुत सारी उम्मीदें उनके दिल में पैदा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी उत्तर प्रदेश के लोगों को जितनी निराशा हुई है और उस निराशा को देखकर पूरे देश को भी जितनी निराशा हुई उसकी मिसाल कभी कहीं मिल नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में सरकार जैसे नाम की कोई चीज नहीं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की जैसी कोई चीज नहीं। अगर जिसे वाकई कहेंगे जंगल राज वो उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सड़क पे चलने वाला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो वो सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, साधारण आदमी सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति है कि अभी एक पुलिस ऑफिसर मारा गया और जिसमें अनुमान लगाया गया था शुरू में कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो दल है उन्हीं में से कोई था, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं जाता। कभी एक को पकड़ा जाता है, कभी दूसरे को पकड़ा जाता है, कभी तीसरे को पकड़ा जाता है। गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश, असली गुंडों को तो कोई पकड़ नहीं रहा है, लेकिन मासूम लोगों को कहीं एनकाउंटर के नाम पे और कहीं दूसरी दल से उनका संबंध है इसलिए उनको पकड़ा जा रहा है। उन्नाव में जो घटना हुई, बलात्कार की घटना हुई, पकड़ना तो चाहे था बलात्कारियों को, लेकिन जिसने रिपोर्ट की है उसी पर केस वापस कर दिया। और ये भाजपा की स्टेट में ही हो सकता, ये किसी और दूसरी स्टेट में नहीं हो सकता कि जहां जो पीड़ित है उसी पीड़ित के खिलाफ आप सरकार कार्रवाई करें। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा का रूप और असली चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा और राज्य स्तर पर भी देखा, तो आने वाले समय में वो दोबारा कांग्रेस को विजय बनाएंगे और कांग्रेस का शासन दिल्ली में हो और उसके बाद वहाँ भी हो। मेरे साथ सीनियर लोग हैं, केंद्रीय भूतपूर्व मंत्री संजय सिंह जी हैं, हमारे दूसरे नेता जो चेयरमैन भी रह चुके हैं जन सेक्रेटरी हैं पूनिया जी, फिर पूनिया साहब ये भी हैं, एम अफजल साहब हैं और भी कोई यूपी का। संजय जी आप कुछ बोलना चाहें या फिर पूनिया जी बोल काफी आपने बोल दिया काफी। हाँ स्टिंग ऑपरेशन, अरे कुछ तो बोलिए आप स्टिंग ऑपरेशन। अभी भाजपा के मंत्री और उनके अधिकारियों के ताल्लुक में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। पहले भाजपा दिल्ली में भी लखनऊ में भी एक भ्रष्टाचार की बड़ी कहानी सुनाती थी कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन आज जो देखने सुनने में आया है उससे पता चलता है कि कितना भ्रष्टाचार इनकी जड़ जड़ में घुसा हुआ है। आज धीरे धीरे भाजपा और
इनके सत्ताधारी एक्सपोज हो रहे हैं, जनता ने भी ये सारा एक्सपोजर देख लिया है, उसी आधार पर इनके दिन खराब होने वाले हैं और देश की जनता के दिन अच्छे आने वाले हैं। वहाँ बीजेपी कह रही है कि हमने तो मामला दर्ज करवा दिया, जो दोषी है कार्रवाई होगी, कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उन्होंने वायदे जो किए थे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे, अपराधियों को जेल में होंगे या फिर प्रदेश छोड़ के उनको भागना पड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा, जैसा कि आजाद साहब ने बताया। और ये इनकी फितरत है हर जगह, केंद्र सरकार में इनकी कार्यशैली हो या राज्य जहाँ जहाँ इनकी सरकार है उनका हो, कभी भी जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन के लोग जो अपराध करते हैं, जो घृणा फैला के अपराधों में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। उनको हर हालत में बचाने का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की घटना हो या उन्नाव की घटना हो या और जगह, मासूम बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, बलात्कार रोज हो रहे हैं। तो ये सही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक, तब तक ये अपराध होते रहेंगे। और इनकी मजबूरी है, उन अपराधियों को ये छेड़ेंगे नहीं, पुलिस कर्मियों को उनकी तरफ उंगली उठाने तक के हिम्मत नहीं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।